हाय गाइस, तो मैं आज अपने गांव के ऐतिहासिक मेले में आया हुआ हूँ। ये हमारे गांव में बहुत पुराने ज़माने से लगता है। हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो हमारे दादाजी हैं, बताते थे यह मेला काफ़ी दिनों से लगता चला आ रहा है। जब वे बड़े हुए तो भी वे यहां पे आते थे, क्योंकि बचपन से ही बताते हैं कि उनको कभी याद नहीं है कि यहाँ कब से यह मेला लगता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस इलाके से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो लड़कर वो उनकी याद में ये मेला लगता है, या हर साल लगता है मेला। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे अक्सर महिलाओं की भीड़ होती है यहाँ पे, क्योंकि जो सामान मिलते हैं वो लेडीज़ के मिलते हैं। कान के कुंडल, बाली वाली, जो भी सारे सामान जो होते हैं इनके श्रृंगार के, वो मिलते हैं यहाँ पे। तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा, बस बाहर से ही आप लोग देख लीजिए, क्योंकि क्या मतलब है अंदर जाने का। और अब मैं आगे चलता हूँ तो थोड़ा आपको दिखाऊँगा। अब मैं यहाँ आ गया हूँ। यहाँ पे अक्सर मूंगफली, पेठे इत्यादि मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के फेमस पेठे यहाँ पे मिलते हैं, आगरा वगैरह के पेठे, आइसक्रीम इत्यादि मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश का पेठा बहुत फेमस है। आपने सुना होगा आगरे का पेठा, वो आगरे का पेठा बहुत ही फेमस है इस इलाके में भी। यहाँ पे बहुत ही रश था, तो हम थोड़ा बगल से होकर निकलते हैं, जहाँ पे थोड़ा साफ हुई है, इधर से हम आ गए हैं। तो अभी हम जहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे अक्सर खाने पीने के सामान मिलते हैं, फास्ट फूड्स और जंक फूड मिलते हैं यहाँ पे, जैसे बर्गर टाउन, चाउमीन, टिक्की, ये सब मिलते हैं। वैसे मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ खाने के लिए, क्योंकि ये इसको खाने के बाद दो दिन तक मैं भोजन नहीं करता हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रुकूँगा। मैं सीधा आगे चलता हूँ, जहाँ पे झूले वूले हैं, बड़े वाले झूले, ब्रेक डांस, काफ़ी सारे झूले आए हुए हैं, वो आप उधर देख सकते हैं। ये अब आ गया फन जोन, यहाँ पे सब आकर फन करते हैं बच्चे। ये है मिक्की माउस, जो बच्चे यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रस है। तो मैं अपनी आवाज़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये है टॉय ट्रेन, ये गोल गोल घूमती है भाई, बहुत स्पीड में, जिसको घूमना होता है घूमते हैं भैया, हमारे बस की तो बात नहीं है। क्योंकि जब ये गोल गोल घूमती है तो इसको देखकर मुझे मोशन आता है, बैठने की तो दूर की बात है। बहुत ही खतरनाक ट्रेन है भाई ये, ऊपर नीचे होती रहती है, मुझे बहुत डर लगता है इस पर। सो मैं इस पर नहीं बैठूंगा, मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ कि हमारे लिए क्या सूटेबल होगा। यह है बच्चों का झूला, वो गैस के गुब्बारे उड़े जा रहे हैं, लगता है भाई साहब का टूट गया वो बड़ा वाला झूला है, ये सर्कस दिखाई पड़ रहा है, ये भी एक सर्कस आया हुआ है भाई साहब। यहाँ पे मैं जाना चाह रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हमको टिकट लेने में 1 घंटे लग जाएंगे, तो मैंने ट्राई ही नहीं किया जाने का। मैंने सोचा कुछ और देखता हूँ। यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, कूद रहे हैं, देखिए यहाँ भी भाई। मैंने भाई साहब से पूछा, भाई साहब क्या मैं भी कूद सकता हूँ? उन्होंने कहा, भाई आपके लिए नहीं, बच्चों के लिए है ये और अब मैं आया हूँ यहाँ पे, एक लगा हुआ है सर्कस है मौत का कुआँ, वो मैं देख सकता हूँ। तो मैं काफ़ी थोड़ा ऊपर आ गया हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको ऊपर से मेले का व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा लगता है। ये देखिए, यहाँ पे एक फटफटिया खड़ी है, भाई साहब यही इस कुएं की दीवार पर चारों तरफ दौड़ाएंगे। अभी तो नहीं आए, जब आते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तब तक आप लोग मेला देख लीजिए। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसको मेला ही कहते हैं, आप लोगों की जबान में क्या कहते हैं प्लीज कमेंट में बताइए। हिंदी में फेयर कहते हैं, हिंदी में मेला कहते हैं। वो भाई साहब शुरू कर दिया, ये देखिए वाह क्या बात है, गजब की कला है भाई के पास, नज़ारा अलग है इसका।
सोचा कि मैं थोड़ा देखता हूँ कि ये नीचे कुछ डाले तो नहीं है। लेकिन भाई साहब जब मैं उसको ख़त्म हुआ तो मैं नीचे गया, देखा फोर्स जमीन, बिल्कुल फोर्स जमीन, अगर उसके गिर जाते ये तो उनका हाथ पैर सब टूट जाता। लेकिन वो लोग इतने ट्रेंड रहे हवा से बातें करते हैं, हाथ छोड़ के साथ साथ हाथ से पैसे भी ले लेते हैं, जो पैसा देना चाहता है, जो रुपये देना चाहते हैं, लगाते हैं तो ये ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। लेकिन ये इन की बाइक उसी देश नहीं होती है भाई साहब, गजब का नज़ारा है। ये है मिक्की माउस, यहाँ भी बच्चे कूद रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये है जग डांस, अभी तो बंद है, अभी तो यहाँ पे लोग अगर बैठ रहे हैं, जब चालू होता तो मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक आप लोग यहाँ देखिए। ये बच्चों वाला झूला है चल रहा है यहाँ पे, कार है यहाँ पे, यहाँ पे दिखाता हूँ कार का झूला है, गोल गोल घूमता है भाई साहब। ये सब तो हमारे लिए काल है, अगर मैं बैठ जाऊँ तो मुझे मैं गिर जाऊँगा तब काल। ये है एक टब होता है, इसमें पानी भर के बच्चे इसमें चक्की चलाते हैं, इंजॉय करते हैं, बच्चों के लिए है ये, बड़े के लिए बिल्कुल नहीं है। काफ़ी मज़ा आता होगा इसमें, मुझे लगता है। और ये देखिए ब्रेक डांस चालू हो गया है, तो मैंने आप लोगों को दिखा होता है, इस पर बैठ करके भाई साहब हमारा सर चकरा जाता है, लगता है कि इधर अभी तो रखते जब ये फ्रंट पे आता है तो लगता है भाई साहब उठा के फिर देगा बाहर, इतनी तड़ा झटका मारता है। मैं इधर बैठ गया था इसको, लेकिन हालत हमारी खराब हो गई थी। और हम लोग यहाँ पे आए थे निशाना लगाने के लिए, मैंने भैया 10 दफ़ा निशाना लगा लेकिन एक भी नहीं लगा। और ये दादाजी लगाने आए अंकल, इनका भी नहीं लगा, 3-4 निशाने मारे इनका भी नहीं लगा। तो फिर इन्होंने बंदूक को पास करके मारा, वैसे इन्होंने बार बार ही किया, वैसे करने किसी नहीं देता है, लेकिन पता नहीं कहाँ ये भाई साहब लगा ही दिए, तो नहीं बोला कि हमको, मैंने कहा भाई पास लगाऊँ, बोले नहीं दूर से लगाया, मैंने 10 के 200 मारे एक भी नहीं लगा भाई साहब, मैं इतना ख़राब हूँ क्या। देखिए भाई साहब फिर से पास से ही मार रहे हैं, इस बार इनका लगा। तो अब मैं थोड़ा मेले के लिए आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सड़क में लेना चाहता हूँ, और धीरे धीरे मेला ख़त्म भी होगा, शाम हो रही है, तो मैं थोड़ा बाहर निकल जाता हूँ, कुछ खा लेता हूँ और फिर बाहर निकलता हूँ। ये है मिक्की माउस, यहाँ पे भी ये है मिठाई, सूजी की काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। ये भाई साहब अकेले बेच रहे हैं, काफ़ी कम रेट होगी इनकी लगभग। ये है नाव का झूला, इसको तो एक बार देखता हूँ, मुझे लगता है मैं गया, मैं अभी नीचे की फ्लाट से गिर जाऊँगा, मेरे बस की नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसको एक दो बार देखा, ये भाई साहब मैंने इससे पूछा भाई साहब आपकी मिठाई कितने के लिए गई, किस लिए पाए, काफ़ी छोटे हैं अभी, काफ़ी कम एज है, अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगता है, अच्छे काम करना है। बहुत अच्छा लगता है ये, आप लोग भी जाइए उनके हाथ से लीजिए, अभी आप इस मेले में आइए। तो और मैं अब बाहर की तरफ आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सड़क पे आ गया हूँ, अभी मैं आपको थोड़ा छत से ऊपर से दिखाता हूँ कैमरे लाइट में डाल के। यहाँ पे लगभग हमारे इलाके की 4-5 थानों की चौकियों की पुलिस लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चोरी और दंगे होते रहते हैं, क्योंकि इतनी पब्लिक यहाँ पे ये होती है, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा छत से निकाल दिया हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, अभी तो धीरे धीरे भीड़ छट रही है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं फिर मिलता हूँ किसी वीडियो में, नमस्कार।